Hello friends, you're welcome in my channel preparation for future. And today's topic for ninth class lesson third question one: write down the formula of sodium oxide, aluminum chloride, sodium sulfide, and magnesium hydroxide. So let's we start first option: sodium oxide. Sodium represented by Na and oxide means oxygen, and sodium has one positive charge and oxygen has. नेगेटिव चार्ज चार्ज और हम इन चार्ज की क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा एन ए नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट बाय ए एल एंड क्लोराइड मीन सी एल एल्यूमिनियम हैज पॉजिटिव थ्री चार्ज एंड हैज माइनस वन नेगेटिव चार्ज इसमें अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बनेगा ए एल सी एल थ्री नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड मींस सोडियम रिप्रेजेंट बाय एन एंड एन एज ए वन पॉजिटिव चार्ज एंड सल्फाइड मींस दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय एंड सल्फाइड हैज माइनस टू नेगेटिव चार्ज सो दिस फॉर्मूला इज एन ए टू एस एंड नेक्स्ट मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम रिप्रेजेंट बाई एम जी एंड एम जी हैजू पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोक्साइड मीन ओ एच एंड माइनस वन इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बनेगा एम जी ये OH, एक कंपाउंड है तो इसको हम ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे और इसके टू की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ही ओ OH एच में तो फॉर्मूला बनेगा एम जी ओ एच डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग फॉर्मूला ए एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस एल टू मीन्स एल्यूमिनियम Aluminium and SO4 means sulphate, and next CA, CL2, CA means calcium, and CL2 means chloride, CA means calcium, and CL2 means chloride. and k2so4 k means potassium and so4 means sulfate and this name is potassium sulfate next kno3 k means potassium and no3 means nitrate so this name is पोटेशियम नाइट्रेट एंड नेक्स्ट सी ए सी ओ थ्री सी ए मीन्स कैल्शियम एंड सी ओ थ्री मीन्स कार्बोनेट एंड दिस नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट